everybody, welcome back to the channel. This is Yadvansi and you are obviously watching Mohit Yadvansi with another video. तो भाई आज की वीडियो में हम आप करने वाले, तो भाई जैसा कि आप सब देख सकते हैं आज हमारे पास है KTM 390। ये इस पे यहाँ पे लिखा हुआ 390 BS3 है, मॉडल 2016। इसको हम बोलते हैं ड्रैग किंग। ड्रैग किंग मतलब कि कोई भी बाइक लिया हुई सेगमेंट में किसी को नहीं जीतने देगी ये। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए इसकी, तो ग्राउंड क्लियरेंस आप खुद ही देख लीजिए, बिल्कुल नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस की, कुछ नहीं है। कहीं भी ब्रेकर वगैरह पे जाओगे तो टिकनी टिकनी है। बाकी आपको मीटर दिखा देते हैं इसका, मीटर दे। सबसे बढ़िया बात यही है इसके जो मीटर है वो अच्छा लगता है देखने में। और इसके अगर प्राइस की बात की जाए तो उस टाइम पे ये आ रही थी, एक शोरूम प्राइस इसका था 3,43,000, 3,43,000 रुपीज़ की, जो सही है जिसके हिसाब से जो 390 में सही मिल रही है 3,43,000 में। और BS6 जो आ रही है वो आ रही है 4,00,000 के अप्रोक्स, एक शोरूम प्राइस है उसका, तो उसके हिसाब से ये और अच्छी है। वो ज़्यादा महंगी कर दी है लेकिन ये सही है। लेकिन अब ये मिलेगी नहीं तो आपको BS6 ही लेनी पड़ेगी। इसके जो ओनर है उन्होंने हमसे बताया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, हीटिंग की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। अगर कोई ऊपर बैठ कर चला रहा है इसको तो समझ लो उसके बाल वगैरह तो जल ही रहे हैं। बाकी लुक वगैरह में तो देखने में बिल्कुल एक नंबर है। कंडीशन पे तो जाए ना, कंडीशन बारिश का मौसम है देख लीजिए, बेशक बादल अब भी हो रहे हैं लेकिन गंदी हो रखी है, तो कंडीशन की बात ना ही की जाए तो सही है। बाकी बाइक देखने में अच्छी लगती है, लड़कियों को ज़्यादा पसंद आती है बाइक। पीछे अगर लड़की को बैठाएंगे तो ऐसा है आसमान पे ही बैठी है लड़की। लड़कियों की जो मैं बता रहा था, लड़की तो अभी हमारे पास है नहीं, तो ये भाई हमारे पास इससे ही पूछ लेंगे भाई पीछे बैठने में कैसा लगता है इसके साथ। भाई पीछे बैठना मेरे से बैठे मौत ही है पीछे बैठना नहीं है। तो ये तो बता रहा मौत है पीछे, बाकी लड़कियाँ ही बैठ सकती है पीछे, उन्हीं को पसंद है। तो अपने आप देखे पापा की परियाँ कैसे उड़ना है उनको। बाकी अगर आप इसकी स्पीड वगैरह की बात की जाए तो स्पीड कंपनी ने जो बोल रखी है वो तो है 180 की स्पीड पे चलती भी है 180 चला रखी है। लेकिन आज जो हमने इसके टेस्ट किए, करीब 800-900 मीटर का हाईवे है ये, इस पर टेस्ट किए तो उसकी स्पीड, तो इसकी आपको क्लिप डाल देते हैं, उन क्लिप में देख लीजिए एक बार ताकि खुद ही पता चल जाएगा आपको कितनी जाती कितनी नहीं जाती। और बाकी क्लिप इन्जॉय कीजिए आप तब तक। जैसा आपने अभी क्लिप देख ली होगी जिसमें इसकी स्पीड टेस्ट की थी, तो ज़्यादा लंबा तो था नहीं इसलिए इतनी ही चढ़ी। बाकी अगर इतनी चलाने के बाद इसके माइलेज की बात की जाए तो वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं माइलेज कितनी है इसकी। अभी फ़िलहाल मिनट एवरेज है 32 की एवरेज दे रही है, घर से दूर आ रखे हैं यहाँ चला के। बाकी अगर बोला जाए कि इतनी सी स्पीड करने के बाद माइलेज का क्या पता चले, तो भाई घर से भी दूर आ रखे हैं वीडियो बनाने के लिए, इतनी दूर चला के लाए हैं। और एक और बात बता दें कि जितनी ज़्यादा तेज़ चलाओगे उतनी ज़्यादा माइलेज मिलेगी आपको, तो ये नहीं है अब कि मेरी बात सुन ली कि इतनी तेज़ चलाओगे माइलेज के चक्कर में कहीं इसको तेज़ चलाओ और कहीं ना कहीं मौत दे पड़े पाओ। इस बाइक जैसे बात है, मौत दे नहीं बोलते, कहीं गाड़ी वगैरह में ठोक दो जैसा कि थोड़े दिन पहले अपने साथ हुआ था। तो लिमिट से चलाएं, माइलेज ज़रूरी नहीं है, अपनी सेहत ज़रूरी है। बाकी तो जैसा कि मेरे को पता था, जितना पता था उतना मैंने आपसे बता दिया इसके बारे में। और मैं क्या बताऊँ, मेरे से ज़्यादा नॉलेज तो जो इसका ओनर है, मतलब जो इसको रेगुलर चला रहा है उसको ज़्यादा नॉलेज होगी मेरे बारे में इसके बारे में, तो आपको उसी से मिलवा देते हैं। तो करुण भाई की बाइक है ये, और भाई क्या हाल चाल है भाई, एक बार ये बता दो इस बाइक की माइलेज वगैरह जो आपको मिल रही है कैसा एक्सपीरियंस है, तो जब थोड़ा सा इसको चला रहे हो आप तो जैसा आपको उसमें लगा भाई। सिटी में देव है 20 के एवरेज, जैसे हम हाईवे वगैरह पर जाओ तो हाईवे भाई मैंने खुद अजमा रोड है, जे पर रोड गए थे फरीदाबाद,
तो यहाँ से गया तो किसी का इंतजार करता करता गया था लगभग 40 की स्पीड के आसपास। जब वहाँ से आया ना तो 150 की स्पीड पे 180 स्पीड पे ऐसे आया था। फरीदाबाद से अपने यहाँ तक का मेरा 150 रुपये के आसपास तेल लगाऊंगा। एवरेज इसकी भाई उस टाइम दे रही थी 50-60 के आसपास एवरेज दे रही थी। सिटी में इसकी कोई एवरेज नहीं है। वहाँ मैंने स्टोरी भी लगाई है 6 की एवरेज दे रही थी यार, कोई एवरेज नहीं है। एवरेज की ना पूछो, बाइक चलाया उतनी ज़्यादा माइलेज नहीं देती है। इसका क्या कारण है जो इतनी वो है? बाकी बाइक में तो ये है कि जितनी एवरेज एक स्पीड में चलेगी बाइक उतनी एवरेज मिलेगी, लेकिन इसका क्या अलग सिस्टम है भाई? ये है प्रॉपर स्पोर्ट बाइक। इधर बताइए। हेलो भाई, ये है प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक, ठीक है। RC है, लीन वगैरह सब कुछ इसका एक नंबर का है। वो तो मेरे को पता नहीं स्पीड में क्यों एवरेज देती है। बाकी यूट्यूब पे एक बार देखा था कि सिस्टम के थ्रू जो होता है वो फास्ट चलने की वजह से कम तेल पीती है। और बाकी ये बात बताओ भाई, कोई 390 लेके एवरेज देख रहा है, ये बताओ उस बंदा के बारे में। अभी जो बाइक आ रही है 390 PSX आई है, उसका लुक वगैरह तो आपने देख लिया होगा। अगर 390 आप चला रहे तो देखना जरूरी भी आपको। आपको कैसी लगी, मतलब क्या कहना चाहते हो? ये लेनी चाहिए थी या फिर PSX जो आई है वो लेनी चाहिए? PSX का इंजन में वो वाली बात नहीं है जो BS3 में, BS4 इसकी टक्कर देती है, पर BS4 भी नहीं पकड़ पाती। हाँ, और BS6 की साइड की लुक बढ़िया है, आगे से वही ड्यूक वाली लाइट देती ना, अच्छी लगती देखने में। तो भाई एक बार आगे से दिखा दो बाइक को, आगे जैसे भाई किसने ये फ्रेम नहीं रखा है और BS6 में अलग आया तो ये क्या है? अच्छा थोड़ा फ्रेम है, जैसे आगे साथ ही तो लगती भी हाँ भी कोई स्पोर्ट्स बाइक आ रही है बड़ी सी, बट इसका मुकाबला नहीं कर सकती हो। लुक में ये ज़्यादा बढ़िया लग रही है आपको या वो वाली ज़्यादा? यही बढ़िया है लुक, ये बढ़िया लग रहा है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, KTM आपसे 200 भूल के ना ले। बेशक ये रो पावर है, मौत का सामान है, कुछ भी है, बट इससे बढ़िया बाइक है नहीं। RC 200 भी नहीं है ना ही 125 है। 390 की बैलेंसिंग वगैरह क्रॉसिंग वगैरह बहुत अच्छी है, इस वजह से मेरे को यही पसंद आई। इससे बड़ी भी ले सकता था मैं, बट ये लो बजट में डेली यूज में बढ़िया बाइक है। भाई आप ये बाइक रिकमेंड करते हो या नहीं करते? बिल्कुल इस बजट में सही है, बिल्कुल नहीं करना पक्का परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी चीज़ लेना चाहता है ले सकता है, बाकी आपको बजट हो तो लीजिए वरना छोटी बाइक पर जा सकते हैं। तो इसकी एग्जॉस्ट की साउंड सुना देते हैं आपको, कैसी साउंड है ये पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे बाइक की आईडी लिख रखी है, ओनर है जो, इसको जाके फॉलो करें और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आपको इसकी वही आपको अब एग्जॉस्ट की साउंड और सुना देते हैं, इसकी कैसी साउंड है सब कुछ तो देख लिया, साउंड और देख लीजिए आखिरी में इसकी कैसी है। भाई साउंड अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यही था कुछ रिव्यू बाइक का।